ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो सभी को प्रणाम। हठ योग के ग्रंथों में आज हम चर्चा करेंगे घृणन संहिता। इसे घटस्थ योग या सप्तांग योग के नाम से भी जाना जाता है। घृणन संहिता व्यवहारिक योग पर लिखा गया एक साहित्य है जिसके प्रणेता महर्षि घृणन है। तो आइए हम सर्वप्रथम प्रार्थना से घृणन संहिता का प्रारंभ करते हैं। ओम आदिश्वराय प्रणमामि तस्मै। मैं उस आदिश्वर को प्रणाम करती हूँ येनोपदिष्टा हठयोग विद्या, जिसके द्वारा उस हठयोग विद्या का उपदेश दिया गया है। विराजते प्रोन्नत राजयोगम, जो विकसित होकर राजयोग के रूप में शोभायमान हो जाती है। आरूढ़ मिच्छोर अधिरोहिणी, उस स्थिति में पहुंचने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए हठयोग विद्या सीढ़ी का काम करती है। तो आज वही सीढ़ी के रूप में हम घृणन संहिता, जिसे सभी घटस्थ योग या सप्तांग योग के नाम से जानते हैं। हठयोग ग्रंथों के बीच घृणन संहिता अपने आप में पूर्ण मौलिकता तथा अपनी विशिष्ट शैली के कारण अत्यधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें योग का दिव्य ज्ञान गुरु शिष्य संवाद के रूप में वर्णित है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनास्तत्व दर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इसी आधार पर घृणन संहिता में शिष्य गुरु संवाद है, जिसमें गुरु साक्षात महर्षि घृणन हैं, जिन्हें सिद्ध हठयोगी कहा जाता है। उन्होंने योग को जो स्वरूप दिया उसमें शरीर से शुरू करके आत्म तत्व की जानकारी दी गई, अभ्यासों की रूपरेखा बताई गई। आइए घृणन संहिता का संक्षिप्त परिचय जानें। गुरु शिष्य परंपरा में महर्षि घृणन गुरु रूप में, शिष्य जो राजा चंडकपाली है उन्हें उन्होंने जो प्रश्न किए उन प्रश्नों का उत्तर वह बड़े ही सहज भाव से देते हैं। राजा चंडकपाली बड़े ही विनम्रता पूर्वक अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। यह एक स्वतंत्र ग्रंथ है। घृणन संहिता की प्राच्य प्रतियों से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है। साथ ही घृणन संहिता की उपलब्ध प्रतियों में पहली प्रति सन 1804 की है। घृणन संहिता में जिस योग की शिक्षा दी गई है उसे सप्तांग योग या घटस्थ योग के नाम से भी जाना जाता है। यह वैष्णव संत परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि घृणन एक वैष्णव संत रहे हैं, क्योंकि उनके मंत्रों में भगवान विष्णु की चर्चा की गई है। एकदा चंडका पालिर गत्वा घृणन कुटीरम, योगाभ्यास के लिए जिज्ञासा करने वाले राजा चंडकपाली नामक एक शिष्य महर्षि घृणन की कुटी में गए। प्रणम्य विनयात् भक्त्या घृणनम् परिपृच्छति, और उन्होंने विनय एवं भक्ति पूर्वक प्रणाम करके महर्षि से प्रश्न किया।
तो राजा चंड कपाली के विनय एवं भक्ति पूर्वक पूछे गए घटस्थ योग और तत्व ज्ञान के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक सौ उदाहरण उद्धृत घेरण संहिता में किया गया है। आइए हम उनके उपदेश को ध्यान से, पूरे ही श्रद्धा से, समर्पण भाव से सुने। यह घेरण संहिता मुझे अति प्रिय है। यह बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। आप इसे सुनेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें राजा चंड कपाली महर्षि घेरण की कुटी में जाते हैं और विनय पूर्वक भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनसे एक प्रश्न पूछते हैं। घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम इदानीं श्रोतुम इच्छामि योगेश्वर वद प्रभो। यहाँ पर महर्षि घेरण को योगेश्वर नाम से संबोधित किया गया है। राजा चंड कपाली महर्षि घेरण से कहते हैं, हे योगेश्वर, तत्व ज्ञान का कारण जो घटस्थ योग है उसे मैं जानने का इच्छुक हूँ। हे प्रभु, कृपा करके उसे मेरे प्रति कहिए। इस प्रकार जब हम इस सूत्र को देखते हैं तो इसमें चार प्रश्नों का समावेश है। प्रथम प्रश्न है, तत्व ज्ञान क्या है? दूसरा प्रश्न आता है, घटस्थ योग क्या है? तीसरा प्रश्न आता है, इस योग का अभ्यास हम कैसे करें? और चौथा प्रश्न आता है, क्या योग द्वारा ज्ञान प्राप्ति संभव है? तो महर्षि घेरंड राजा चंड कपाली को एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं। सर्वप्रथम पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, तत्व ज्ञान। तत्व का अर्थ होता है वास्तविकता। अगर इसमें हम ज्ञान जोड़ दें, तत्व ज्ञान का अर्थ होता है मनुष्य शरीर, मनुष्य मन और जीवात्मा के पीछे जो वास्तविकता या सत्य है उसका ज्ञान। दूसरे शब्दों में हम तत्व ज्ञान का अर्थ समझे अंतिम सत्य का ज्ञान या आत्मज्ञान, उसकी अनुभूति जो मेरे शरीर का कारण है, उसकी अनुभूति जो मेरे इस मन का कारण है, उसकी अनुभूति जो इस जगत का कारण है। साधारण शब्दों में हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे दो जीवन होते हैं, बहिरंग जीवन और अंतरंग जीवन। बहिरंग जीवन हम जीते हैं, आनंदित होते हैं, अंतरंग जीवन को हम भूल जाते हैं। तो महर्षि घेरण कहते हैं कि जब हम बहिरंग और अंतरंग जीवन में संतुलन, संयम एवं समरसता का अनुभव करते हैं तो धीरे धीरे हम उस तत्व ज्ञान को समझने लगते हैं। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसको हम भली भांति समझने लगते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, घटस्थ योग क्या है? यहाँ पर हम घटस्थ योग को देखें तो घट का अर्थ होता है घड़ा। जब हम घड़े की कल्पना करते हैं तो मिट्टी से बनी एक आकृति मानस पटल पर उभरती है, जैसा आप वीडियो में भी देख रहे हैं, हम उसकी बाह्य आकृति को देखते हैं। घट कहने से मात्र बाह्य आकृति का ज्ञान होता है। यहाँ पर घटस्थ योग शरीर पर आधारित योग को बतलाया गया है। शरीर को हम देखते हैं, शरीर को हम अनुभव करते हैं, शरीर के जितने भी क्रियाकलाप हैं उनसे हम भलीभांति परिचित होते हैं, लेकिन शरीर के भीतर कौन कौन से तत्व हैं, शरीर के भीतर कौन कौन सी शक्तियां हैं, क्यों हम जीवन में कर्म करते हैं, विचार करते हैं, यह कोई नहीं जानता है। तो महर्षि घेरण शरीर को निर्मित करने वाले सूक्ष्म एवं स्थूल तत्वों से परिचय प्राप्त करने के लिए इन्होंने पूरा वृत्तांत दिया है। वे कहते हैं कि जब स्थूल एवं सूक्ष्म तत्वों का परिचय हमें प्राप्त हो जाता है तब यह कहा जा सकता है कि घटस्थ योग की शुरुआत हो गई है। इस प्रकार उन्होंने इसका उत्तर दिया, जिसकी चर्चा हम आगे भी विस्तार पूर्वक करेंगे। तीसरा उन्होंने प्रश्न किया था, इस योग का अभ्यास हम कैसे करें? तो यही इस ग्रंथ का मुख्य विषय है। पूरे ग्रंथ में इसी विषय की चर्चा की गई है कि व्यक्ति को किस प्रकार योगाभ्यास करना है,
इस हेतु 7 अंगों की चर्चा की गई है विस्तार पूर्वक। अंतिम प्रश्न पूछा गया है, क्या योग द्वारा ज्ञान प्राप्ति संभव है? तो महर्षि घेरण कहते हैं कि हाँ, ज्ञान प्राप्ति संभव है। हर कर्म का एक अच्छा परिणाम अवश्य होता है। योगाभ्यास से भी सूक्ष्म या गुप्त परिणाम उत्पन्न होते हैं। यदि हम नित्य नियमित योगाभ्यास करते हैं तो भले ही आप इस परिणाम के प्रति सजग न रहें, भले ही आपका परिणाम को तत्काल बुद्धि के माध्यम से न समझें, लेकिन उसका अनुभव आपको होगा। तो महर्षि घेरण ने अनेक उपमाओं द्वारा योग के वैज्ञानिक एवं तार्किक पक्ष को घेरण संहिता में सिद्ध किया है, जिसे हम विस्तार से आगे समझेंगे। इसका आपको विस्तार से वर्णन योगामृतम, एक योगा नेट गाइड है, एक दर्पण है, जिसमें योग विद्या के समस्त दुर्लभ गूढ़ ज्ञान को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझकर उसके जितने पक्ष हो सकते हैं उसका सांगोपांग विवेचन इस पुस्तक में किया गया है, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति संभव है। आइए हम सर्वप्रथम घटस्थ योग को समझें। घटस्थ योग क्या है? घट का अर्थ होता है घड़ा। कच्चे घड़े का कोई विशेष उपयोगिता नहीं होती, उसे धकती हुई अग्नि की भट्टी में पकाकर उपयोग में लाया जाता है। यदि हम कच्चे घड़े को प्रयोग करेंगे तो कच्चा घड़ा बार बार रिसता है, उसमें से पानी निकलता चला जाता है। लेकिन उसी प्रकार शरीर भी कैसा है? कच्चे घड़े के समान है। इसे बिना योगाग्नि रूपी भट्टी में पकाए कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं किया जा सकता है। शरीर की घट से तुलना होने के कारण इसे घटस्थ योग कहा गया है। इसे एक नाम से और भी जाना जाता है, जिसे सप्तांग योग भी कहते हैं। सप्तांग का अर्थ होता है 7 अंग, अर्थात इस ग्रंथ की विषय वस्तु कुल 7 अध्यायों, 7 प्रकरणों में वर्णित है, इसलिए इसे सप्तांग योग भी कहा जाता है। इस ग्रंथ घेरण संहिता के अंतर्गत कुल 7 उपदेशों में महर्षि घेरण ने 102 अभ्यासों एवं 350 श्लोकों में उपनिबद्ध किया है, जिसमें अध्याय 1 अर्थात अध्याय प्रथम में षटकर्म शुद्धिकरण प्रकरण, अध्याय 2 में आसन प्रकरण की चर्चा की गई है, अध्याय 3 में मुद्राएं बंध प्रकरण, अध्याय 4 में प्रत्याहार प्रकरण, अध्याय 5 में प्राणायाम प्रकरण, अध्याय 6 में ध्यान प्रकरण तथा अध्याय 7 में समाधि प्रकरण को बड़ी ही वैज्ञानिक रूप से, बड़े ही तार्किक पक्ष से महर्षि घेरण ने इसे विस्तार रूप से समझाया है। घटस्थ योग के अभ्यास के लिए 7 गुणों 7 साधनों का होना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है। आइए हम इसको विस्तार पूर्वक समझें। शरीर की शुद्धि के लिए ये 7 साधन है, जिसमें से पहला है शोधन, दूसरा है दृढ़ता, तीसरा है स्थैर्य, चौथा है धैर्य, पांचवा है लाघव, छठा है प्रत्यक्ष और 7वां है निर्लिप्तता। आइए हम इनको एक एक को ध्यान पूर्वक समझें। बड़ी ही श्रद्धा से, समर्पण भाव से शरीर की शुद्धि के लिए ये 7 साधन कौन से हैं? महर्षि घेरण ने इसे किस प्रकार समझाया है, उसे हम विस्तार पूर्वक समझें। पहला है शोधन। शोधन का अर्थ है शुद्धिकरण। शरीर और मन को विकार रहित बनाने के लिए शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है, जिनमें 21 प्रकार की शुद्धि क्रियाओं का वर्णन किया गया है। दूसरा है दृढ़ता। दृढ़ता, यह अर्थ दृढ़ता से शारीरिक ही नहीं वरन मानसिक दृढ़ता, विचारात्मक दृढ़ता और भावनात्मक दृढ़ता को लिया गया है। यदि हम नित्य नियमित योगाभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर दृढ़ होने लगता है, हम विचारधारा में अपने विचारों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, दृढ़ और संकल्प शक्ति से पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं।
एक संकल्प शक्ति को धारण करके चलना और उस पर अडिग रहना, यही दृढ़ता कहलाती है, जिनमें 32 प्रकार के आसनों को बतलाया गया है। तीसरा है स्थैर्य। स्थैर्य का अर्थ होता है स्थिरता। महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्रों में स्थिरता का वर्णन किया है। उन्होंने शरीर से संबंधित स्थिरता का वर्णन करते हुए कहा है, स्थिरम सुखम आसना, अर्थात स्थिरता और सुख की अनुभूति हो तभी आसन सिद्ध होता है। शरीर की शुद्धि में चौथा साधन है धैर्य। यह भी एक गुण है कि व्यक्ति परिस्थितियों से अप्रभावित रहे, अपना धैर्य न खोए, उद्विग्न न हो, अपनी सहनशीलता को न खोए। यह मानसिक गुण है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पांचवा है साधन लाघवम। लाघवम का अर्थ होता है हल्कापन। योगी का शरीर हल्का रहना चाहिए। लंबे समय तक योगाभ्यास करने से शरीर में हल्कापन आ जाता है, वह लंबे समय तक अभ्यास करने में सक्षम होता है। छठा है प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम का तात्पर्य है ग्रहणशीलता, अर्थात ग्रहण करने का स्वभाव। इसको हम एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप अपने मुंह में एक रसगुल्ला डालते हैं। अब आंखें बंद कर लीजिए और खाते समय रसगुल्ले के स्वाद का अनुभव कीजिए, तो छेने का स्वाद हट जाएगा, चाशने का स्वाद हट जाएगा, एक स्वाद रहेगा जिसे आप कहेंगे आहा कितना स्वादिष्ट है। आप किस चीज को स्वादिष्ट कह रहे हैं? छेने या चाशने को आप स्वादिष्ट नहीं कह रहे हैं, वरन उस स्वाद को कह रहे हैं जो उसके भीतर आपको अनुभव हो रहा है। वह सूक्ष्म है, आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह वहां पर उपस्थित है। उस समय वह आपको अपने भीतर अनुभव होता है। तो इस अनुभव को यदि आप प्रत्यक्ष कर दें, तो वह है प्रत्यक्ष या ग्रहणशीलता, अर्थात ग्रहण करने का स्वभाव। अंतिम जो सप्त साधन है वह है निर्लिप्तम। सातवां गुण है निर्लिप्तता। का अर्थ लोग समाधि से लगाते हैं, लेकिन निर्लिप्तता का अर्थ है मन की अनासक्त अवस्था। यहाँ हम दो बातों को समझ लें, एक लिप्त और एक निर्लिप्त। लिप्त हम एक कहावत सुनते आए हैं, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो यहाँ यह लिप्त अवस्था बतलाई गई है। लेकिन यदि हम निर्लिप्त कहें, तो निर्लिप्त का अर्थ होता है जहाँ मन लिप्त न रहे, अर्थात इससे परे आत्मज्ञान में अपने आप को स्थित कर लेना ही निर्लिप्त अवस्था है। इस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए महर्षि विरण ने सात साधनों को बतलाया है। अब ये जो सात साधन हैं, शुद्धिकरण, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, शरीर का हल्कापन, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता, इन सात गुणों के समावेश के लिए सात प्रकार के योगाभ्यास बतलाए हैं, जो ये आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है मंत्र है। आपको इसको बहुत ही अध्ययन मनन करते हुए कंठस्थ कर लेना है। आइए हम इसको दोहराएं। षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत् दृढम्, मुद्रया स्थिरता चैव, प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायाम लाघवम च, ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः, समाधिना निर्लिप्तम च, मुक्तिरेव न संशयः। महर्षि घेरण ने घेरण संहिता के पहले अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में इसको सन्निहित किया है, जिनको हम विस्तार से समझें। इन सात गुणों के समावेश के लिए सात प्रकार के योगाभ्यास की चर्चा महर्षि घेरण ने की है। आइए हम एक एक को विस्तार पूर्वक समझें। सर्वप्रथम आता है षट्कर्मणा शोधनम च। सप्त साधन है और इनके परिणाम भी दिखलाए गए हैं, आप इस वीडियो में पीपीटी के माध्यम से देख रहे हैं। षट्कर्मों से शुद्धिकरण की अवस्था प्राप्त होती है।
यहाँ पर शुद्धिकरण के लिए षटकर्म का प्रयोग किया गया है। षटकर्म में छह प्रकार की क्रियाएं बतलाई गई है, नेती, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। जहाँ नेती अर्थात नाक की सफाई, धोती अर्थात पेट के ऊपरी भाग और भोजन नली की सफाई, बस्ती अर्थात आंतों की सफाई जिससे हमारे शारीरिक विकार दूर हो जाएं, नौली अर्थात पेट, गुर्दे इत्यादि का व्यायाम, कपालभाति प्राणायाम का एक प्रकार है और अंत में त्राटक अर्थात मानसिक एकाग्रता की एक विधि है। इस प्रकार यह षटकर्म अर्थात षट शुद्धि क्रियाओं की छह प्रकार की शुद्धि क्रियाएं बतलाई गई है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को विकार रहित, निर्मल और स्वच्छ बना सकते हैं। दूसरा है आसनेन भवेद् दृढ़, अर्थात आसनों से शारीरिक शक्ति या दृढ़ता प्राप्त होती है। जब हम आसन नित्य नियमित लंबे समय तक करते हैं तो हमारे शरीर में स्थिरता, दृढ़ता एवं सुख की अनुभूति होने लगती है, तो धीरे धीरे हमारा आसन सधने लगता है। तीसरा है मुद्रा या स्थिरता चैव, मुद्रा तथा प्राण प्रवाह। मुद्रा के अभ्यास द्वारा स्थिरता की प्राप्ति होती है, अर्थात मन और प्राण की चंचलता समाप्त होती है। जैसे हम नित्य नियमित मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारे जो चैनल हैं, शक्ति केंद्र हैं, वह धीरे धीरे ऊपर उठते चले जाते हैं। प्राण और मन की चंचलताएं मुद्राओं के अभ्यास से समाप्त होती चली जाती है। धीरे धीरे हमारे भीतर स्थिरता आती है। नित्य नियमित अभ्यास करने से मन भी शीघ्रता से केंद्रित होने लगता है और अंतर्मुखी हो जाता है। इस प्रकार इसका परिणाम बतलाया गया है। चौथा है प्रत्याहारेण धीरता, इसके अभ्यास के लिए प्रत्याहार को बताया गया है। प्रत्याहार के अभ्यासों से धैर्य को प्राप्त किया जाता है। प्रत्याहार के अभ्यास में सबसे पहले हम अपने आप को केंद्रित करते हैं, अंतर्मुखी बनाते हैं और इंद्रियों से अपने आप को अलग करते हैं। इस प्रकार बाह्य इंद्रियों को अंतर्मुखी करना प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों के अंतर्गत हम कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को लेते हैं। जब हमारा इंद्रिया अंतर्मुखी होने लगती तो मन भीतर केंद्रित होने लगता है और धीरता का अर्थ होता है मन को इंद्रियों से हटाकर मानसिक धैर्य स्थापित करना। जब तक मन इंद्रियों से जुड़ा हुआ है और चंचल है तब तक धैर्य की प्राप्ति संभव नहीं है, लेकिन यदि हम प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं तो हमें धैर्य की प्राप्ति धीरे धीरे होने लगती है। अगला है हमारा प्राणायाम, प्राणायाम लाघवम च। इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास की वार्षिक हिरण ने प्राणायाम के योगाभ्यास की चर्चा की गई है। प्राणायाम के द्वारा हल्केपन की प्राप्ति होती है, स्थूलता को कम किया जाता है। अब आप सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तब हम प्राण पर नियंत्रण करते हैं या प्राण का आयाम करते हैं, उसी प्राण पर नियंत्रण करना हमारा उद्देश्य रहता है, लेकिन शारीरिक स्थूलता कैसे कम होती है, यह प्रश्न सभी के मन में उठता है। तो इसका समाधान बहुत ही सरल रूप में महर्षि हिरण्य ने कहा है कि प्राणायाम के अभ्यास द्वारा जब ऊर्जा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, तब शरीर के विकार उसमें अपने आप जलने लगते हैं, चर्बी तक जल जाती है, गल जाती है। इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति अपनी शारीरिक स्थूलता को कम करता है, शरीर को हल्का करता है। जब प्राणायाम से शरीर हल्का होने लगता है तब आप लंबे समय तक अभ्यास कर सकते हैं बैठकर। अगला है छठा, ध्यानात् प्रत्यक्ष मापनम। ध्यान से आत्म साक्षात्कार की स्थिति होती है, ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, ध्यान के द्वारा सूक्ष्म मन के अनुभव को स्पष्ट किया जा सकता है,
ध्यान क्या है? ध्यान वस्तुतः अपने आप को पहचानने की प्रक्रिया है। स्वयं का साक्षात्कार होना, स्वयं को जानना ध्यान के द्वारा ही संभव है। जैसा हमने एक उदाहरण आपको समझाया था कि जैसे जैसे हम अंतर्मुखी होंगे, हम अधिक गहराई में जाएंगे, वैसे वैसे अपने भीतर सूक्ष्म अनुभव को जानने में हम सक्षम होते चले जाएंगे, हमारी ग्रहणशीलता बढ़ती चली जाएगी और हम आत्म साक्षात्कार की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। अंत में महर्षि गेरंड समाधि की बात करते हैं, समाधि ना निर्लिप्तम च, अर्थात समाधि से निर्लिप्तता आती है, समाधि द्वारा निर्लिप्त अवस्था की प्राप्ति होती है। वैसे तो हमारा पूरा जीवन भोग में लिप्त रहता है, कर्मों, सिद्धांतों, विचारधाराओं में लिप्त रहता है, हमारी जो दृष्टि होती है संकीर्ण होती है, सीमित होती है, किंतु महर्षि गेरंड कहते हैं कि समाधि की स्थिति जब प्राप्त होती है और हम चेतना के सभी आयामों को, अवस्थाओं को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तब फिर अंतिम अवस्था होती है तुरिया की, अंतर जागृति की, जिससे हम अपने कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं, कर्मों के अधीन नहीं होते हैं, अपनी वासनाओं में लिप्त नहीं होते हैं, भोगों से निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात भोगों से पार चले जाते हैं। तो समाधि द्वारा इस निर्लिप्त अवस्था को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो अंत में महर्षि गेरंड कहते हैं मुक्ति रेव न संशय, अर्थात फिर मुक्ति की प्राप्त होती है, बिना संशय मुक्ति प्राप्त होने की बात कही गई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जब आप इन सातों अभ्यासों का नित्य अभ्यास करते हैं और जो इनके साथ योगाभ्यास दिए गए हैं आप नित्य प्रति इनको करते हैं तो आपके भीतर वह सभी घटित होने लगता है। तो इस प्रकार बड़े ही विस्तार रूप से, बड़े ही सारगर्भित रूप से महर्षि गेरंड ने इन सप्तांग अंगों की योगाभ्यास के द्वारा चर्चा की गई है। घटस्थ योग का उद्देश्य एवं महत्व। घटस्थ योग का उद्देश्य वस्तुतः राजयोग की प्राप्ति की गई है, जिनको हमने प्रार्थना में बताया था। इसका महत्व है सर्वप्रथम स्वास्थ्य का संरक्षण। जब आप नित्य नियमित इन योगाभ्यासों का करते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, षटकर्म, शरीर शुद्धि क्रियाएं, इन सब का अभ्यास नित्य प्रति करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बना रहता है, मन स्वस्थ रहता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है, सुप्त चेतना की जागृति होती है, व्यक्तित्व विकास धीरे धीरे होने लगता है। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की कुंजी बतलाया गया है कि जब आप इन नित्य अभ्यासों को नित्य प्रति कहते हैं तो आपका सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास होने लगता है, आपके पूरे जीवन में परिवर्तन होने लगता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, चक्र कुंडलिनी जागृत होने लगती है। तो इस प्रकार आज हमने गेरंड संहिता संक्षिप्त ग्रंथ परिचय को समझा, जाना, आत्मसात किया। महर्षि गेरंड कहते हैं कि जो शिष्य श्रद्धा भक्ति से, जिज्ञासु भाव से गुरु के शरण में आता है तो उसे वह सारा ज्ञान गुरु देते चले जाते हैं। तो आइए, प्रश्नोत्तरी माला में एक क्रम रखा गया है, आप सभी इस वीडियो को बड़ी ही गहराई से, बड़े ही श्रद्धा भक्ति से सुन रहे थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में नीचे इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे प्रथम प्रश्न है, गेरंड संहिता के रचयिता कौन है, तो आपको उनका नाम लिखना है। दूसरा, गेरंड संहिता योगों के बीच किन किन अन्य नामों से संबोधित किया गया है, इसका आपको नाम लिखना है। आसनेन भवेत, इस सूत्र को आपको पूरा करना है। योगामृतम, योग के गूढ़ रहस्यों को समझकर, आत्मसात कर योग की विभिन्न शिक्षाओं, योग की वैज्ञानिकता, प्रेरणाओं, स्वास्थ्य संवर्धन आदि की अनूठी जानकारियों को इसमें योगामृतम गाइड में सन्निहित किया है। ये जो आपके सामने वीडियो गेरंड संहिता का पूरा प्रस्तुत किया गया है, यह सभी इसी गाइड से लिया गया है, जो 18 वर्षों के अथक प्रयास से आदरणीय अमृतलाल जी गुरुवेंद्र ने इसे
किया है। इस योगा गाइड का मुख्य उद्देश्य सद्ज्ञान से परिपूरित उद्दात्त श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले शिक्षकों का भारी संख्या में निर्माण इस अभियान का अंतिम लक्ष्य है। हर प्रकार के पाठकों को योग का भाव समझने में सुविधा होगी, इस हेतु इस योगामृतम गाइड को दिया गया है। इसे सभी विद्यार्थी GRF NET इसे लाभान्वित हो सकते हैं। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने घेरण संहिता संक्षिप्त परिचय को भली प्रकार जाना और समझा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति प्रणाम।